9 न्यूज मैं हूँ आपके साथ बीखा। रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। देखिए महाराष्ट्र में करीब 11 से 12 दिन चली भयानक सियासी उठापटक के बाद आखिरकार एक बड़ा सियासी उलटफेर होता है। उद्धव ठाकरे को काफी संघर्ष के बाद, सरकार बचाने की कोशिशों के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले जाते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शपथ भी ले लेते हैं। और शपथ ग्रहण के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एकनाथ शिंदे को मिठाई खिलाते हैं, गुलदस्ता देते हैं। अब राज्यपाल का यही प्यार जो एकनाथ शिंदे के प्रति दिखा है, ये शरद पवार को सुई की तरह चुभ रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्यपाल संविधान के दायरे में रहता है, उसके एक्शंस और रिएक्शंस संविधान के दायरे में रहकर होने चाहिए, खासकर तब जब वो विधानसभा के भीतर है। अब यहां पर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस को लेकर बार बार ये दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, धोखा किया है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कई शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता, और वहां दूसरी तरफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में फडणवीस और शिंदे की सरकार पर सवाल उठाया गया है। देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने को लेकर, एकनाथ शिंदे के सीएम बनने को लेकर भगत सिंह कोश्यारी का जो रवैया था वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चुभा है। ये दोनों नेता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं, सामना में खुद शरद पवार क्या कुछ लिखते हैं, हम अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देंगे। इस रिपोर्ट को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र में सरकार भले ही भाजपा की बन चुकी हो, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हो, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सामना मुखपत्र का एक लेख किन तरह के सवालों को जन्म देता है, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, इसलिए शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए बार बार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमला किया जा रहा है। आपको बता दें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के दौरान उन्हें मिठाई खिलाई, गुलदस्ता दिया और यही रवैया शरद पवार और उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा खटक रहा है। राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को मिठाई जो खिलाई है वो काफी ज्यादा कड़वी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लगी है और अब देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी वायरल तस्वीर को लेकर हमला किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्यपाल पर शरद पवार के बयान को लेकर कहा गया, मैं इतनी बार मुख्यमंत्री बना लेकिन किसी ने पेड़ा नहीं खिलाया। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के जाने या सरकार बदलने से हमारे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सबसे ज्यादा खुश हैं। इनके चेहरे की खुशी ऐसी है मानो क्रांतिकारी भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में जब अंग्रेजों ने फांसी दी उस समय अंग्रेजों को जो खुशी मिली होगी वैसी। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री शिंदे को राज्यपाल ने उसी खुशी के उत्साह के साथ बधाई दी। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब उन्हें ये खुशी नहीं मिली थी। सामना मुखपत्र में पेड़ा पॉलिटिक्स को लेकर बयानबाजी की गई है और लिखा गया है, राजभवन परिसर स्थित पेड़े की दुकान बंद हो गई होगी। शरद पवार जो कहते हैं वो बातें मजेदार होने के साथ साथ सही भी हैं। शरद पवार का कहना है, मैं जब तक चार बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं लेकिन राज्यपाल ने एक बार भी पेड़ा नहीं खिलाया। शरद पवार का ऐसा कहना सही ही है क्योंकि राज्यपाल तटस्थ और संविधान के संरक्षक होते हैं। मुख्यमंत्री कौन है, किस पार्टी से आए या गए, इससे राज्यपाल को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पिछले 2-4 सालों में महाराष्ट्र के राजभवन में राज्यपाल की एक अलग ही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ठाकरे सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब कुछ मंत्रियों ने शपथ की शुरुआत फूल और आम्बेडकर का नाम लेकर की थी तो यही राज्यपाल भगत सिंह खफा हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये शपथ संविधान के अनुरूप नहीं है।
ऐसा कहते हुए मंच पर मंत्रियों को उन्होंने फटकार लगाई और ये कहा कि संविधान और शपथ की वो रक्षा इस खेप के मामले में नजर नहीं आई। संविधान के तथा कथित संरक्षक ही ऐसे दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं तो लोग अयोग्य विधानसभा सदस्य ही क्या, बाहरी किसी भी ऐरे गैरे को अंदर लाकर ये लोग विधानमंडल में कोई भी प्रस्ताव और चुनाव जीत सकते हैं? सिर्फ मुंह दबाए गए सिरों को ही तो गिनना है। ऐसे व्यवहार और राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई। अब सवाल उन 12 मनोनीत विधान परिषद सदस्यों का है जो पिछले 2.5 साल से राज्यपाल की मेज पर विचाराधीन है। नई सरकार आई है, उस फाइल के बदले नई फाइल लाई जाएंगी, 24 घंटे के भीतर राज्यपाल के हस्ताक्षर से इसे मंजूरी मिल जाएगी और पेड़े खिलाने का कार्यक्रम बार बार दोहराया जाएगा। सत्य बहुत ही मुश्किलों भरा है, ये सत्य है, लेकिन ये अंधकार का समय भी बीत जाएगा। सामना में कुछ इसी तरह के सवाल हैं, इसी तरह के दावे हैं जो शिंदे फडणवीस सरकार पर किए गए हैं।